मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि आरबी 155/2022 डेटेड 17/11/2022 को रेलवे बोर्ड के द्वारा जितने भी सुपरवाइजरी कैडर हैं उसमें अपग्रेडेशन का प्रपोजल आया था, जिसमें बहुत सारे डिवीजन में बहुत सारे पोस्ट का अपग्रेडेशन हो चुका है। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे डिवीजन में अब तक इस पे काम शुरू हो चुका है, कुछ डिवीजन में कठिनाइयां आ गई थी, उसकी वजह से अब तक ऑर्डर नहीं निकल पाया था। जिन जिन डिपार्टमेंट में अपग्रेडेशन किया जाना था, जितने कैडर को सुपरवाइजरी कैडर में रखा गया था, वह सारे जो लेटर्स थे वह सभी आरबीई 155/2022 में अवेलेबल है। उस सारे कैटेगरी जहां अपग्रेडेशन होना था वो सारे कैटेगरी का लिस्ट दिया हुआ है, आप जरूर इस लेटर को पढ़ें। मित्रों, वहां क्लियर किया गया था कि रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई नया फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। उसमें यह निर्देश दिया गया था कि जो भी डिपार्टमेंट अपने यहाँ अपग्रेडेशन करना चाहती है, उस डिपार्टमेंट को लेवल वन के जितने पोस्ट हैं, मैचिंग सरेंडर में जितने पोस्ट हैं, उन पोस्ट को सरेंडर करना पड़ेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे अपग्रेडेशन किया जाना था। इसमें जो 46 कैटेगरी में आने वाले पद थे उसका आधा पद जो था वो 48 में अपग्रेड करना था। मतलब टोटल अगर 100 पद है तो 50 पद को जो था 48 में अपग्रेड करना था, और उसके 4 साल के बाद जितना 48 में पोस्ट अपग्रेड हुए थे उसका जो पोस्ट था उसको 50% में अपग्रेड करना था। तो बहुत सारे डिवीजन में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जहां की 1800 का पोस्ट ही नहीं था, और इसमें यहाँ पे मामला फंस गया था कि चूंकि जब 1800 का पोस्ट ही नहीं है तो वो सरेंडर कैसे करेंगे क्या, और उस डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर थे उनका अपग्रेडेशन होगा अथवा नहीं होगा। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है 24/7/2024 को, जो इंस्ट्रक्शन अपने टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो आज आके देख सकते हैं। और आप सबसे इस बात का भी अनुरोध है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने में आपको कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं है, लेकिन इससे चैनल को मजबूती मिलती है। जहां पे 1800 का पोस्ट नहीं है वहां पे उस डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ अगर लेवल 2 के जो पोस्ट हैं, जो लेवल 2 के आरआरबी का पोस्ट है, उस पोस्ट को सरेंडर कर सकते हैं और उससे जो पैसा प्राप्त होगा उसी पैसा के आधार पे जो सुपरवाइजर है उसके पोस्ट का अपग्रेडेशन कर दिया जाना है। जैसे सोलापुर डिवीजन के कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो इसी तरह से मामला अटका हुआ था, चूंकि सोलापुर डिवीजन में कमर्शियल डिपार्टमेंट में 1800 का कोई पोस्ट रह नहीं गया है, तो वैसे में सोलापुर डिवीजन के कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो अपग्रेडेशन का मामला अटक गया था वो अभी क्लियर हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि इस गाइडलाइन के बाद किसी भी डिवीजन में अगर कोई अपग्रेडेशन का काम बचा है तो जल्द से जल्द पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।